चंदनपुर गांव में टुनटुनी नाम की एक लालची और दो के पास चिड़िया रहती थी। एक दिन टुनटुनी कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते के किनारे उसे बड़े गड्ढे में बुढ़िया गिरी हुई दिखाई देती है। उस बुढ़िया के साथ वहां ढेर सारी टोकरियां बिखरी पड़ी थी। टुनटुनी को देखते ही बुढ़िया मदद के लिए पुकारने लगती है, मेरी मदद करो बेटी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टुनटुनी फौरन उस बुढ़िया के पास पहुंच जाती है और एक बड़ी सी रस्सी गड्ढे में फेंक कर उस बुढ़िया को बाहर निकाल लेती है और साथ ही एक एक करके उसकी सभी टोकरियों को भी बाहर निकाल लेती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। लेकिन आप कौन हो और आप इतनी सारी टोकरी लेकर कहाँ जा रही हो? बेटी, मैं टोकरियाँ बेचने का काम करती हूँ। सामने वाली पहाड़ी के ऊपर जादूगरों की बस्ती है। मैं इन टोकरियों को लेकर वहाँ दुकानदारों को बेचने जा रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं इस गड्ढे में गिर गई। देखो, अगर तुम मेरी टोकरियों को उस पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहाँ की दुकानदारों को दोगी तो इसके बदले में तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने के सिक्के की बात सुनते ही टुनटुनी के मन में लालच आ जाता है और वो फौरन बुढ़िया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया टुनटुनी को अपने घर का पता बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी सभी टोकरियों को लेकर पहाड़ी की ओर चल देती है। तभी वहाँ उसे जादूगर कौए की दुकान दिखाई देती है। टुनटुनी सभी टोकरियों को उस दुकान पर दे देती है। उसके बाद टुनटुनी उस बुढ़िया के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। बुढ़िया का घर बहुत ही खूबसूरत था। ठहरो बेटी, मैं अभी तुम्हें सोने का सिक्का देती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया टुनटुनी को सोने का सिक्का दे देती है। फिर अगले दिन से टुनटुनी रोज उस बुढ़िया के बनाए हुए टोकरी को पहाड़ी पे ले जाकर जादूगर की दुकान पर देना शुरू कर देती है। इस तरह टुनटुनी की मेहनत के बदले में बुढ़िया रोज उसे एक सोने का सिक्का देती है। फिर एक दिन टुनटुनी बुढ़िया को अलमारी से सोने का सिक्का निकालते हुए देख लेती है। वो अलमारी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अपनी आँखों के सामने इतने सारे सोने के सिक्के देख टुनटुनी चौंक जाती है। ये बुढ़िया तो बहुत अमीर है, इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं। अगर मैं इन सभी सोने के सिक्के को हासिल कर लूं, तो आज के बाद मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इस तरह टुनटुनी के मन में लालच सवार हो जाता है और वो उसी वक्त उस बुढ़िया का गला दबाकर उसे जान से मार देती है। उसके बाद टुनटुनी वहाँ रखे सारे सोने के सिक्के लेकर भाग जाती है। अब मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं कल ही बाजार जाकर अपने लिए शोरूम की सभी चीजें खरीद लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ वो टूनी चिड़िया मरने के बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती है। उस लालची लड़की ने धोखे से मारकर मेरी जान ली है, अब मैं उसे मारकर अपना बदला लूंगी। फिर रात होते ही वो भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के घर पहुंच जाती है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। आवाज सुनकर टुनटुनी नींद से जाग जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगती है। तभी वो टुनटुनी को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये बुढ़िया तो मरने के बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। अरे कोई मुझे बचाओ, वरना ये मेरी जान ले लेगी। क्यों री लालची चिड़िया, तूने क्या सोचा था? मुझे मारकर तू सारे सोने के सिक्के हड़प लेगी। उन सोने के सिक्कों से मैं गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाया करती थी। देखिए भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घर में रखे सारे सोने के सिक्के आपको लौटा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूँगी। तेरी जैसी धोखेबाज और चालाक चिड़िया को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। उसके बाद वो घर में रखे सारे सोने के सिक्के उठाकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरे की दौलत हड़पने वाले लालची और धोखेबाज लोग कभी अपनी गलत इरादे में कामयाब नहीं होते। एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। रामपुर मेट्रो अपनी रफ्तार से चली जा रही थी।
मेट्रो में अपनी फैमिली के साथ कई पक्षी बैठे हुए थे। उसी मेट्रो में कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू की बारात लेकर रामपुर जा रहा था। वो लोग खूब गाते बजाते खूब हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। रात के करीब 10 बज गए थे, तभी कड़कनाथ कहता है, अच्छा आप सब लोग सो जाइए, रात के 10 बज गए और भी पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही होगी, चलिए अब बजाना बंद कर दीजिए। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, आज तो मुझे दिल खोल कर गाना बजाना कर लेने दीजिए, क्या हमेशा रोकते टोकते रहते हो आप। सुंदरी इतना बोली रही होती है कि इतने में मेट्रो एक सुनसान जंगल की ओर जाकर रुक जाती है, जहां कोई भी स्टेशन नजर नहीं आता। मेट्रो के वहां रुकते ही सब पक्षी इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये मेट्रो कहाँ पर आकर रुक गई है, यहाँ पर तो कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा और ये जंगल कितना वीरान लग रहा है, कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं यहाँ से। कड़कनाथ इतना कहने के बाद कंडक्टर के पास जाता है। अरे कंडक्टर भाई साहब, ये मेट्रो कहाँ पर रुक गई है, यहाँ पर कोई स्टेशन तो नजर नहीं आ रहा, क्या हुआ मेट्रो में, कोई खराबी हो गई है। पता नहीं क्या हो गया है इस मेट्रो में, देखता हूँ जाकर ड्राइवर से पूछता हूँ कि क्या हुआ है। इतना कहकर कंडक्टर हरी तोता ड्राइवर के पास जाता है। अरे ड्राइवर साहिबा, मेट्रो ऐसे क्यों रुक गई? क्या कुछ खराबी हो गई मेट्रो में? कंडक्टर ड्राइवर चिड़िया से बातें करता ही जा रहा था, पर ड्राइवर ना तो कंडक्टर की ओर देख रही थी और ना ही उसके सवालों का कोई भी जवाब दे रही थी। एकदम से जब ड्राइवर चिड़िया हरी तोता की ओर देखती है, वो उसका भयानक रूप देखकर डर जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा मैं ही हूँ, भूतिया चिड़िया की आत्मा, इस मेट्रो की ड्राइवर, सब पैसेंजर को मार डालूंगी। ये कहकर वो मेट्रो की कंडक्टर हरी तोता को मार देती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही पैसेंजर्स के पास पहुँचते हैं, तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पैसेंजर पर हमला करने लगती है और उन्हें मारने लगती है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दूल्हे को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि वहाँ पर बारात में आए पंडित जी अपने थैले से विभूति निकाल कर उस भूतिया चिड़िया ड्राइवर के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, जल रहा है, तुम पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा कर रही हो, छोड़ दो मुझे, मैं एक एक को मार डालूंगी। क्या तुम ही इस मेट्रो को चला रही थी? मेट्रो को चला रही थी और हमेशा ही मैं इस मेट्रो को चलाती हूँ, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब पक्षियों को मार डालूंगी। क्यों मार रही हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आज मेरे बेटे की शादी है, हमें छोड़ दो। नहीं, मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, मेरी क्या गलती थी जो मुझे इस दुनिया के पक्षियों ने मार दिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम कैसे भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गए? मैं मेट्रो चला रही थी, कुछ पक्षियों ने मेट्रो की पटरी पे आग लगानी शुरू कर दी, तभी मैंने उनसे पूछा, तुम पक्षी इस पटरी पे आग क्यों लगा रही हो, मेट्रो को क्यों जला रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेट्रो का किराया इतना बड़ा रखा है और टाइम पर मेट्रो भी नहीं आती, आज हम एक भी मेट्रो को नहीं छोड़ेंगे, हर एक मेट्रो को जला देंगे। और फिर उन पक्षियों ने मुझे वही जिंदा जला दिया, जिसके बाद मुझ पे आग लग गई और मैं जलकर मर गई। उसी दिन से मैंने पक्षियों को मारने का सिलसिला शुरू किया। अब तुम पक्षियों को मारने का सिलसिला बंद कर दो, ये पक्षी बेगुनाह हैं, इन पक्षियों को छोड़ दो, देखो तुम्हारी वजह से ये पक्षी भी मर जाएंगे और तुम जैसे ही चिड़िया की आत्मा बन जाएंगे, मानो मेरी बात, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। पंडित जी के समझाने पर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ड्राइवर मान जाती है और अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, जिसके बाद कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू की शादी टुनटुनी के साथ बड़े धूमधाम से करा देते हैं।